गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नेहा टिकरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट JYCG कॉलेज रायपुर। दिस इज अ सेकेंड वीडियो लेक्चर फॉर BCA फर्स्ट सेमेस्टर एंड PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर ऑल्सो। सब्जेक्ट इज प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, यूनिट 3। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे इन फर्स्ट वीडियो। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रिंग। इन सी लैंग्वेज स्ट्रिंग इज एक्चुअली अ कैरेक्टर एरे टर्मिनेटेड बाई नल कैरेक्टर विच इज डिनोटेड बाई /0। सी में स्ट्रिंग जो है वो एक कैरेक्टर एरे की तरह होता है जो कि नल कैरेक्टर द्वारा टर्मिनेट किया जाता है। एक्चुअली स्ट्रिंग इज नॉट एनी डेटा टाइप इन सी, विच इज ओनली अ कैरेक्टर एरे टर्मिनेटेड बाई नल कैरेक्टर। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। दिस इज ओनली अ कैरेक्टर एरे एंड दिस इज अ स्ट्रिंग बिकॉज इट इज टर्मिनेटेड बाई नल कैरेक्टर। दिस इज नॉट टर्मिनेटेड बाई नल कैरेक्टर, देन इट इज ओनली अ कैरेक्टर एरे। दिस इज द एड्रेस डिनोशन ऑफ कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग। नल टर्मिनेट हुआ है लास्ट में, एड्रेसेस हैं इनके 72, 73। आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर एरे का जो कैरेक्टर का जो साइज है वो 1 byte का होता है। सो द डिफरेंस बिटवीन देयर एड्रेसेस इज ओनली 1 byte। दीज आर द इंडेक्स पोजिशंस एंड दीज आर द वैल्यूज। हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द स्ट्रिंग। नॉर्मली जैसे कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही कैरेक्टर एरे को भी डिक्लेयर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वो आप मान सकते हैं इसको कैरेक्टर एरे डिक्लेरेशन है अगर हम यहाँ पे नल यूज नहीं करते हैं तो। बट अगर हम यहाँ पे नल कैरेक्टर ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है स्ट्रिंग। इस तरह से भी आप इस स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस में उनके वैल्यू, ये डिक्लेरेशन हुआ, साथ में इनिशियलाइजेशन, उनके जो स्ट्रिंग का नेम है, जो भी आप इस नेम लेना चाहते हैं या स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, उनको हम हर एक कैरेक्टर को सिंगल कोट के अंदर कवर करके कॉमा के थ्रू सेपरेट करते जाएंगे और लास्ट में नल कैरेक्टर ऐड करेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन विथ यूजिंग डबल कोट्स। आप डबल कोट का यूज करके भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर एडेड होता है, आपको इनडायरेक्टली देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो दो तरीके हैं, आप दोनों तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप रन टाइम में भी स्कैनएफ के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं। दिस आर सम इलीगल इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे साइज 3 दिया हुआ है स्ट्रिंग का और डबल कोट है तो स्ट्रिंग होगा ये, और यहाँ पे इसका जो टोटल साइज हो रहा है वो 4 हो रहा है, तो ये इलीगल होगा। यहाँ पे देखिए आप साइज 4, बट यहाँ पे हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, साइज वाइज यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है, इसलिए ये भी इलीगल है। स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट देखते हैं। स्कैनर के थ्रू इनपुट करना और उसको प्रिंट करना, इनपुट लेना सिस्टम से। स्कैनएफ जैसे कि आप देखे हैं, किसी भी वेरिएबल को स्कैनएफ के थ्रू हम रीड कराते हैं, उसके लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s। %s के थ्रू हम स्ट्रिंग वेरिएबल को रीड करवा सकते हैं टर्मिनल के थ्रू। बट स्कैनएफ के साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही ये वाइट स्पेस एनकाउंटर होता है इसमें, वाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस, तो बाकी जो भी गैपिंग के बाद जो भी स्ट्रिंग बचा हुआ है उनको वो रीड नहीं करता है, वहीं टर्मिनेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एग्जाम्पल, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड दो अलग अलग स्ट्रिंग हैं, उन दोनों के बीच में एक स्पेस है, वाइट स्पेस है। अब जब हम स्कैनएफ के थ्रू इसको रीड करवाएंगे तो ओनली ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड को, प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एक वाइट स्पेस एनकाउंटर हो जाता है। सो लेट्स सी विद द एग्जाम्पल। दिस इज द एग्जाम्पल, एंटर योर नेम, कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग हमने लिया है, कैरेक्टर एरे 50 साइज का। आप जितना भी साइज का नेम एंटर करवाएं ये आपकी मर्जी है, ये इसके अंदर, साइज के अंदर आना चाहिए। स्कैनएफ करवा लिया, प्रिंटएफ करवा लिया। अब देखते हैं,
क्योंकि हमने मान लो हमने प्रिंट आउटपुट लिया है, प्रिंट करवाया है, स्कैनएफ करवाया है सतीश कुमार। सतीश कुमार को उसने पूरा रीड नहीं किया स्कैनएफ, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट स्पेस आ गया है, तो प्रिंट होगा केवल सतीश। अब इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हम एडिट सेट कन्वर्जन कोड का यूज करें। इसका यूज कैसे करना है, ये एक एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने सेम कैरेक्टर एरे लिए हैं, दैट मीन्स स्ट्रिंग लिया है, एंटर करवाएंगे आप, और स्कैनएफ में ही आपको इस तरह से स्पेसिफाई करना होगा परसेंट ब्रैकेट के अंदर में कैप एंड स्लैश एन और एम परसेंट ऑफ एसटीआर, जो भी आपके स्ट्रिंग का नेम है वो प्रिंट एफ करवाएंगे। इस तरह से कराने से ये आउटपुट पूरा आएगा, आप देख सकते हैं। जी देखिए, सतीश कुमार, सतीश कुमार, ये डबल एग्जांपल यहाँ पे टाइप्ड हो चुका है। आप आउटपुट आउटपुट शो कराने के लिए पुटेस फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरह से मैंने आउटपुट प्रिंट करवाया हुआ है, पुट एस, और यहाँ पे आपको एक्सेस स्पेसिफायर देने की जरूरत नहीं है, एक्सेस स्पेसिफायर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोनों तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं, तो इसका आउटपुट दो तरह से आएगा। सतीश कुमार इज अ इनपुट एंड सतीश कुमार इज वन आउटपुट फ्रॉम प्रिंट एफ, एंड सेकेंड आउटपुट आपका आ जाएगा, दो बार प्रिंट होगा इस तरह से। अब देखते हैं हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। सी सपोर्ट सम मीनिंगफुल स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन विच इज पैकेज्ड इन द स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल। जब हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस को यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो हमको स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करना मस्ट होगा। स्टूडियो डॉट एच, उसके नीचे आप हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है। यहाँ पे मैंने कॉमनली जो यूज होता है उसको लिया है, एस टी आर सी पी वाई। ध्यान रखिएगा आप लोग जब स्ट्रिंग है इन फंक्शंस को जब यूज करेंगे, तो जो उसका केस है उसको आप ध्यान में रखेंगे, और इसका जो स्पेलिंग है वो भी आप ध्यान में रखेंगे कि कहीं गलत ना हो जाए। एस टी आर है तो एस टी आर ही लिखेंगे, स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे। सी पी वाई है तो सी पी वाई ही लिखेंगे, सी ओ पी वाई कॉपी नहीं लिखेंगे, और स्मॉल में ही लिखेंगे। तो एस टी आर सी पी वाई दैट मीन्स स्ट्रिंग कॉपी करना। स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए फंक्शन है एस टी आर सी पी वाई। यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर आपको देना है स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू, मीन्स आपको दो स्ट्रिंग लेना है कॉमा से सेपरेट करके। अब इसका मीनिंग ये होता है कि स्ट्रिंग टू में जो भी स्ट्रिंग होगा वो स्ट्रिंग वन के अंदर कॉपी हो जाएगा, कॉपी स्ट्रिंग टू वैल्यू इंटू स्ट्रिंग वन। एस टी आर एन सी पी वाई, एन सी पी वाई, यहाँ पे एन एक्स्ट्रा लग गया है, एन, और एन का मतलब हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देना होगा जिनको हमको कॉपी करना है स्ट्रिंग वन में। ये तो सिंपली स्ट्रिंग टू पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा स्ट्रिंग वन में, बट सेकेंड जो एस टी आर एन सी पी वाई है उसमें हम स्ट्रिंग टू में डिसाइड करेंगे कितने कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग वन में कॉपी करेंगे। तो अगर उस तरह से आपको परफॉर्म करना है प्रोग्राम, तो आप ये वाला यूज करेंगे एस टी आर एन सी पी वाई। एस टी आर लेन नेक्स्ट फंक्शन इज देन लेन मीन्स लेंथ। तो स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए हम एस टी आर लेन फंक्शन का यूज करेंगे, और उसमें सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट देंगे, स्ट्रिंग जो भी है स्ट्रिंग आपका उसका लेंथ जिसको आपको फाइंड करना है। तो ये आपको रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू जो कि टोटल नंबर होगा उस स्ट्रिंग का। नेक्स्ट इज एस टी आर कैट, इसका मतलब होता है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ना, एड करना, अपेंड करना। तो एक स्ट्रिंग के आगे दूसरा स्ट्रिंग जोड़ देना, अपेंड कर देना। तो जो भी फर्स्ट स्ट्रिंग होगा उसके आगे अगर हमको दूसरा स्ट्रिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, ऐसा अगर हमको चाहिए होगा तो यहाँ पे हम हेलो लेंगे और यहाँ पे वर्ल्ड लेंगे, तो ये दोनों स्ट्रिंग को मर्ज कर देगा, अपेंड कर देगा, मर्ज नहीं करेगा, अपेंड करेगा। अब ये नेक्स्ट फंक्शन देख लीजिए, एस टी आर एन सी सी ए टी।
str and cat कॉन्केटिनेशन करेगा ये भी, बट हमको स्पेसिफाई करना होगा कि इस स्ट्रिंग टू में से कितने कैरेक्टर को हमको यहाँ पे अपेंड करना है, जोड़ना है। अपेंड फर्स्ट फोर कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टू टू स्ट्रिंग वन, यहाँ पे हमने फोर लिया है इसलिए इस स्ट्रिंग टू में जो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उसके फोर फर्स्ट फोर कैरेक्टर्स को यहाँ पे ऐड करेगा। strcmp, सीएमपी का मतलब होता है कंपेयर करना, तो स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू में कंपैरिजन होगा। अब इसमें होता क्या है, अगर दोनों ही स्ट्रिंग इक्वल हैं तो जीरो रिटर्न होगा, अगर फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो छोटा है सेकंड स्ट्रिंग बड़ा है तो जीरो से लेस वैल्यू रिटर्न होगा, माइनस में रिटर्न होगा। अगर स्ट्रिंग वन बड़ा है स्ट्रिंग टू छोटा है तो पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स जीरो से बड़ा वैल्यू रिटर्न होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा हमेशा, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखने लायक है कि अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो जीरो रिटर्न होगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन देन रिटर्न ग्रेटर देन जीरो वैल्यू, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। इफ द स्ट्रिंग इज लेस देन स्ट्रिंग टू देन रिटर्न लेस देन जीरो वैल्यू, दैट मीन्स निगेटिव वैल्यूज। strncmp, अब यहाँ पे कंपेयर करना है पर्टिकुलर, मान लो आप चाहते हैं कि फर्स्ट फोर कैरेक्टर फर्स्ट फाइव कैरेक्टर्स को बस हम कंपेयर करवाएं स्ट्रिंग वन से, तो उस केस में आप strncmp यूज कर सकते हैं। इसमें भी सेम टाइप का मेथड अप्लाई होगा जो यहाँ पे है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर हम स्पेसिफाई कर देंगे। नेक्स्ट फंक्शन इज strlwr, लोअर, lwr का मतलब होता है लोअर, तो जो भी स्ट्रिंग हमको अपर केस में गिवन है उसको अगर हमको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो इस स्ट्रिंग फंक्शन का हम यूज करेंगे। इसमें सिंपली एक ही आर्गुमेंट होगा, सेम स्ट्रिंग strupr अपर केस में कन्वर्ट करेगा, जो भी स्ट्रिंग हमको लोअर केस में गिवन होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे भी हम आर्गुमेंट में एक ही स्ट्रिंग लेंगे। नेक्स्ट इज strrev, रिवर, रिवर्स, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग को रिवर्स करना, तो एक आर्गुमेंट हम लेंगे यहाँ पे, जो भी स्ट्रिंग हम लेना चाहते हैं उसको जस्ट अपोजिट यानी कि रिवर्स करके प्रिंट करवाएगा। अब इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं, इसके सिंटेक्स कैसे होते हैं, इसको इसके प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इज strcat, कॉन्केटिनेशन अगर हमको करना है तो हम इस तरह से देंगे, इसका सिंटेक्स है फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू हेलो और वर्ल्ड ऐसे लिया हुआ है, तो आउटपुट इसका आएगा हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड string.h, ये मस्ट है आपको इंक्लूड करना क्योंकि हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन का यूज कर रहे हैं। उसके बाद मेन फंक्शन ही स्टार्ट होता है, हमने दो स्ट्रिंग ले लिया है सोर्स और टारगेट, हेलो और वर्ल्ड, जैसा डिक्लेरेशन का मेथड है उसी तरह से आप डिक्लेयर करेंगे। आप रन टाइम में भी डिसाइड कर सकते हैं scanf के थ्रू getsk2 कि आपको कौन से स्ट्रिंग लेने हैं। इसको हमने प्रिंट करवा दिया वन बाय वन और यहाँ पे स्ट्रिंग strcat फंक्शन लगा दिया टारगेट और सोर्स, तो जब इसको प्रिंट करेंगे टारगेट तो टारगेट के अंदर सोर्स जो है वो कॉपी हो जाए रहेगा, तो आपका टारगेट क्या है वर्ल्ड, कॉन्केटिनेट हो जाएगा वर्ल्ड और हेलो, तो इस तरह से हेलो वर्ल्ड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट फंक्शन है str length, लेंथ निकालने के लिए फंक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है इसका जो भी लेंथ होगा वो नंबर में आएगा, वेलकम तो 7 कैरेक्टर लॉन्ग है तो 7 रिटर्न करेगा, इसलिए हमको एक इंटीजर वेरिएबल स्पेसिफाई करना होगा। ये शॉर्ट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ये आप कोडिंग प्रोग्राम के अंदर डाल के एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो j इज इंटीजर वेरिएबल str len एंड वेलकम, देन इसका आउटपुट होगा 7, यहाँ पे हमको परसेंट डी लेना होगा, j के लिए एक्सेस स्पेसिफायर इंटीजर का परसेंट डी होता है। देन नेक्स्ट इज strcmp, कंपेयरिंग फंक्शन होता है ये, अगर दो स्ट्रिंग को हमको कंपेयर करना है तो strcmp फंक्शन यूज करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है
कि अगर दोनों ही स्ट्रिंग इक्वल होंगे तो जीरो वैल्यू रिटर्न होगा, इन केस स्ट्रिंग वन स्मॉलर है तो लेस देन जीरो वैल्यू रिटर्न होगा, और स्ट्रिंग टू अगर ग्रेटर है, स्ट्रिंग वन इज अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर देन जीरो वैल्यू रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। हाँ, और एक बात और है कि जो भी फर्स्ट एनकाउंटर मतलब दोनों के बीच में जब डिफरेंस हम कर रहे हैं तो जो भी डिफरेंस होगा उनके ASCII वैल्यू का डिफरेंस कैलकुलेट करके वो आउटपुट के रूप में शो कराएगा। और आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप कंपेयर कराएंगे दो स्ट्रिंग के बीच में तो ये कंसिस्टेंसी होता है, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों में डिफरेंस वो ट्रीट करेगा, क्योंकि इनकी ASCII वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, कैपिटल ए का डिफरेंट होता है, स्मॉल ए का डिफरेंट होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप कंपैरिजन कराएंगे। तो अगर आपने हेलो हेलो कंपेयर करवाया है तो कैपिटल लेटर्स में अगर हेलो लिखा है और स्मॉल में कैपिटल लेटर्स लिखा है तो दोनों को वो डिफरेंट ही बताएगा, इक्वल नहीं बताएगा। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे भी हम कंपैरिजन जब करते हैं तो जो आउटपुट होता है वो रिटर्न वैल्यू जो होता है वो इंटीजर में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे भी रिटर्न वैल्यू इंटीजर लिया हुआ है। स्टडी 2 9 दोनों को कंपैरिजन कराया है और उनके बीच का जो भी एस और टी के बीच में फर्स्ट जो एनकाउंटर्ड डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, एस और टी फर्स्टली ही है, दोनों के बीच का ASCII डिफरेंस जो उसने निकाला है वो -1। द नेक्स्ट इज strcpy, कॉपी करने का ये फंक्शन है स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, दो स्ट्रिंग ले लिया है, यहाँ पे strcpy फंक्शन का ही यूज करके वेलकम को हमने s1 में कॉपी करा लिया और s1 को s2 में कॉपी करा लिया। चूंकि s2 अभी ब्लैंक है, उसमें कोई भी स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो जो s1 में होगा वही s2 में चला जाएगा। अब हम जब s2 को प्रिंट करवाएंगे तो उसका आउटपुट भी वेलकम ही होगा। द नेक्स्ट फंक्शन इज strrev, रिवर, स्ट्रिंग रिवर्स। तो रिवर्स अगर हमको प्रिंट करवाना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक स्ट्रिंग ले लिया s1, उसको रन टाइम में डिसाइड कर लिया, जो भी उस गेटर्स के थ्रू हमने उसकी वैल्यू इनपुट करवा ली है, उसके बाद उसको strrever फंक्शन के थ्रू अपोजिट करवा लिया और उसको प्रिंट भी करवा लिया। एंटर योर स्ट्रिंग वेलकम एंड योर रिवर्स स्ट्रिंग इज, उसका जस्ट कैरेक्टर का अपोजिट यहाँ पे देख सकते हैं आप, emocleW। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन का यूज नहीं किया है और एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कैसे करेंगे। दैट मीन्स दिस इज अ प्रोग्राम विदाउट यूजिंग strcpy फंक्शन विच कॉपी द फर्स्ट स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। देख सकते हैं आप यहाँ पे पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग लिया है, एंटर स्ट्रिंग करेंगे, गेटर्स के थ्रू उसको रीड करवा लेंगे, देन लूप चलाएंगे। यहाँ पे लूप चलाने के लिए हमने टेम्पररी वेरिएबल आई लिया है जिसको हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है। देन s1 में हमने जो भी स्ट्रिंग है उसको इनपुट करवा लिया है ऑलरेडी, अब उसको हम लूप जब तक चलाएंगे जब तक कि टर्मिनेशन नहीं आ जाता है, जब तक कि नल कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं हो जाता है तब तक कि लूप चलेगा। अब लूप चल रहा है, उसके बीच में ये s2 में कॉपी होते जाएगा, s2 ऑफ 0, s2 ऑफ 1, s2 ऑफ 2, s2 ऑफ 3, एक एक कैरेक्टर जो है उसके इंडेक्सिंग पोजीशंस पे कॉपी होते जाएंगे, और जैसे ही नल कैरेक्टर एनकाउंटर होगा ये कॉपी होना स्टॉप हो जाएगा और हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने पे चूंकि हमको s2 को एज अ स्ट्रिंग डिफाइन करना है, हम उसके लास्ट कैरेक्टर को है नल कैरेक्टर डिक्लेयर कर देंगे। तो इस तरह से s2 ऑफ i मान लो वेलकम लिखा हुआ है, तो मान लो हेलो लिखा हुआ है, hello, कितने कैरेक्टर्स हुए टोटल 0 to 4। तो जैसे ही इंक्रीमेंट होने के बाद ये i की वैल्यू 5 होती है, इस लूप से बाहर आ जाएंगे और s2 ऑफ 5 को हम
जीरो डिक्लेयर कर देंगे, नल कैरेक्टर डिक्लेयर कर देंगे उस पोजीशन को, दैट मींस वो पर्टिकुलरली स्ट्रिंग बन जाएगा, उसको हम प्रिंट करवा देंगे एस टू। और इस तरह से आप देख सकते हैं वेलकम टू आवर हाउस, ये हमारा इनपुट था एस वन का, और जब आउटपुट आएगा एस टू का कॉपीड वाला वो होगा वेलकम टू आवर हाउस सेम। सो इस वीडियो में इतना ही, ये मैंने आज स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट और उनके हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में और प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन किया है। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।